वेलकम टू बी बैंकर स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स की क्लास में तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के बीच में आप कर सकते हैं हमें फेसबुक टेलीग्राम ट्विटर इंस्टाग्राम पर फॉलो डेली अपडेट्स के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है हु वॉन द men's टाइटल इन एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप हेल्ड इन मलेशिया इन मई 2019? मई 2019 में मलेशिया में आयोजित एशियाई व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किसने जीता तो ये खिताब जीत लिया है सौरभ घोषाल ने भारतीय स्क्वैश खिलाड़ियों में से एक सौरभ घोषाल और जोशाना चिनप्पा ने कुआलालामपुर मलेशिया में अपने संबंधित एशियाई व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियन का खिताब जीत लिया है सौरभ घोषाल ने हांगकांग के लियो और चून मिंग को हराकर पुरुष का खिताब पुरुष वाला खिताब जीता वह विश्व रैंकिंग में शीर्ष दस में पहुंचने वाले पहले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं जोशाना चिनप्पा ने महिला फाइनल में हांगकांग की एनईए को हराकर अपना खिताब बरकरार रखा चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन रिसेंटली अ रशियन पैसेंजर प्लेन मेड अ फ्यूरी क्रैश लैंडिंग एट एयरपोर्ट क्लिंग अराउंड 41 पीपल हाल ही में एक रूसी यात्री विमान ने हवाई अड्डे पर एक उग्र दुर्घटना लैंडिंग की जिसमें लगभग 41 लोग मारे गए तो उस फ्लाइट का नाम क्या था तो फ्लाइट का नाम था शेरेमेट एक रूसी यात्री विमान ने मॉस्को हवाई अड्डे पर एक दुर्घटनाग्रस्त लैंडिंग करते समय लगभग इकतालीस लोगों की मतलब जान ले ली रूसी सुपरजेट हंड्रेड मॉस्को से मरमस्क, मरमस्क के लिए उड़ान भर रहा था जबकि उसमें जब उसमें आग लग गई एरोफ्लोट फ्लाइट मॉस्को में शेरेमे तिवो हवाई अड्डे पर लौट आई जिससे एक कठिन लैंडिंग हुई और ड्यूरिंग उसके टेकऑफ के टाइम उस उसपे आग लग गई थी बट फिर भी उसको लैंड कराया गया बट स्टिल इसमें इकतालीस लोगों की मौत हो गई जिसमें से दो बच्चे भी थे चलिए बढ़ते हैं आगे रिसेंटली नॉर्थ कोरिया हैज फायर्ड सेवरल शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल्स इन टू द सी ऑफ जापान हु इज द हेड ऑफ नॉर्थ कोरिया हाल ही में उत्तर कोरिया ने जापान के सागर में कई छोटी दूरी की प्रोजेक्टाइल मिसाइलों को निकाला, निकाल दिया है उत्तर कोरिया के प्रमुख कौन है तो ये है किम जोंग अन उत्तर कोरिया ने जापान के सागर में कई छोटी दूरी के प्रोजेक्टाइलों को निकाला है राज्य के मीडिया ने माना कि उत्तर कोरिया नेता ने, ने लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए गोलीबारी का आदेश दिया था इसने कहा कि ड्रिल का उद्देश्य रक्षा इकाइयों द्वारा कई रॉकेट लॉन्चर और सामरिक निर्देशित हथियारों का परिचालन क्षमता और सटीकता का परीक्षण करना था चलिए बढ़ते हैं आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वैल्यूड इंडियन बैंक इन 2019 विद अ मार्केट कैपिटल ऑफ रूपीज सिक्स ट्रिलियन 2019 में 6.45 ट्रिलियन की बाजार पूंजी के साथ सबसे अधिक भारत, मूल्यवान भारतीय बैंक कौन बना तो ये बन गया है HDFC बैंक निजी ऋणदाता यस बैंक लिमिटेड पहली बार बा, पहली बार बाजार मूल्यांक के मामले में तीन पायदान गिरकर दसवें स्थान तक पहुंच गया है बैंक की मार्च की तिमाही की कमाई में आश्चर्यजनक रूप से गिरावट के बाद पिछले दो सत्रों में शेयर लगभग 30 प्रतिशत से अधिक लुढ़क गए हैं और इसी बीच एचडीएफसी जो है वो छह दशमलव ट्रिलियन के मार्केट कैपिटल के साथ सबसे मूल्यवान भारतीय बैंक बन गया है चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हु हैव बिन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा इन 2019 2019 में किसे मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया तो ये है विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाले फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा ने घोषित घोषणा की कि इसने सेलिब्रिटी कपल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है पुरुषों के एथनिक वियर ब्रांड मान्यवर के बाद यह कपल दूसरा बड़ा कपल का दूसरा बड़ा ब्रांड एंडोर्समेंट डील है मान्यवर के साथ ये 2017 से जुड़े हुए हैं चलिए बढ़ते हैं आगे नरेंद्र मोदी रीच्ड कैपिटल भुवनेश्वर टू विजिट हिट बाई साइक्लोन फैनी हु इज द गवर्नर ऑफ ओडिशा नरेंद्र मोदी चक्रवात फनी से प्रभावित जिलों का दौरा करने के लिए ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे ओडिशा के राज्यपाल कौन है तो ओडिशा के राज्यपाल गणेश लाल जी हैं नरेंद्र मोदी 6 मई को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे और चक्रवात फानी से प्रभावित जिलों का दौरा किया प्रधानमंत्री का स्वागत राज्यपाल गणेश लाल जी सीएम नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया मोदी ने पूरी खुर्दा कटक जगत सिंहपुर जाजपुर केन्द्रपाड़ा भद्रक और बालासोर जिले के हवाई सर्वेक्षण किया तो गाइज अभी फनी तूफान जो है वो काफी चर्चा का विषय रहा है इसने पूरी में बहुत भयंकर तबाही मचाई हुई है तो नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे आना इस खबर को और ज्यादा मूल्यवान बनाता है आपके एग्जाम के लिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट बनाता है आपके एग्जाम के लिए तो आपको ओडिशा से रिलेटेड कुछ बातें याद रखनी है जैसे वहाँ के गवर्नर कौन है वहाँ के सीएम कौन है वहां के एयरपोर्ट का नाम क्या है और वहां पे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जिला कौन सा है चलिए बढ़ते हैं आगे

बयालीस विदेश सहित कम से कम दो लोग मारे गए जबकि नौ आत्मघाती हमलावरों ने फवारे वाले होटल और चर्च सहित आठ स्थानों पर हमला किया था ईस्टर बम विस्फोट के तुरंत बाद सोशल मीडिया तक पहुंच प्रतिबंधित थी चलिए बढ़ते हैं आगे वेयर वॉज द इलेवंथ मीटिंग ऑफ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म हेल्ड इन 2019। 2009 में आतंकवाद विरोध पर संयुक्त कार्यदल की ग्यारहवीं बैठक कहां हुई तो यह बैठक हुई आपकी कैनबेरा में कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया में है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने आतंकवाद के प्रति नियमित रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान और अतिवाद और कट्टरपंथीकरण पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के माध्यम से आतंकवाद निरोध सहकारिता को और गरना, गहरा करने पर सहमति व्यक्त की है दोनों देशों ने कैनबेरा में आतंकवाद विरोध पर संयुक्त कार्यदल की ग्यारहवीं बैठक आयोजित की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन वेयर डिड द एनवायरमेंट मिनिस्टर्स ऑफ जी सेवन नेशंस मीट इन मे ट्वेंटी मई 2019 में जी सेवन राष्ट्र के पर्यावरण मंत्री कहां से मिल कहां मिले तो ये इनकी मीटिंग हुई फ्रांस में ब्रिटेन कनाडा फ्रांस जर्मनी इटली के मंत्री जापान और अमेरिका मेड्स शहर में दो दिवसीय बैठक के लिए एकत्रित हुए वे वनों की कटाई प्लास्टिक प्रदूषण और प्रवाल भित्तियों के संरक्षण से निपटने के उपा, उपायों की चर्चा का कारण था ये मीटिंग चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन विच स्टेट हैज अनाउंस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रूपीज टेन करोड़ एज एन इमीडिएट रिलीफ कंट्रीब्यूशन टू उड़ीसा किस राज्य ने ओडिसा को तत्काल राहत योगदान के रूप में दस करोड़ रुपए वित्तीय सहायता की घोषणा की तो यह घोषणा की गई है तमिलनाडु की तरफ से चक्रवात प्रभावित ओडिसा में मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए तमिलनाडु सरकार ने तत्काल राहत योगदान के रूप में दस करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की है एप्पाडी के पलानी स्वामी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु गंभीर चक्रवाती तूफान फानी ने उड़ीसा के कुछ जिलों खासकर पूरी में अभूतपूर्व और व्यापक रूप से क्षति पहुंचाई है तो क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का विच टेलीकॉम ऑपरेटर हैज बिकेम द फर्स्ट ऑपरेटर टू स्टार्ट ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस इन पुलवामा कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर पुलवामा में ऑप्टिकल फाइबर आधारित हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा देने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है तो बीएसएनएल है कि एयरटेल है कि जियो है कि वोडाफोन है चारों में से कोई एक तो डेफिनेटली आंसर है आपको लिखना है आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में तो जिन्होंने भी कल की वीडियो देखी है उनको ये आंसर पता होगा जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लीजिए और फिर आंसर कर लीजिए तो यस गाइस दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है रेड कलर का जो ऑप्शन आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद मिलेगा वो आपका आंसर होगा पीडीएफ सबके लिए है तो डाउनलोड करना ना भूलें आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से हमारा एड्रेस और हमारा फोन नंबर आपको स्लाइड पे डिस्प्ले हो रहा है फील फ्री टू गेट इन टच विद अस Thank you so much for watching, stay tuned to